नमस्ते, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे सुबह के अभी हो रहे हैं 9:30, और 9:30 नहीं 10 हो गए हैं। अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है और मेरा पूरा घर दिखाते हैं। मतलब आज ही नहीं, डेली का है। मतलब डेली क्लीन करो और नेक्स्ट डे आपको सुबह तक ऐसे ही मिलेगा। अतः सारे टॉयज इधर उधर कर देते हैं, फैला देते हैं। तो अभी मैं पूरा घर क्लीन करना है, किचन क्लीन कर लिए हैं, तो आपको दिखाते हैं हमारा पूरा घर कैसे बिखरा हुआ है। दिखा रहे हैं आपको मेरा घर कैसे पूरा बिखरा हुआ है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और हाँ, आज का वेदर अच्छा है। हाँ वेदर, हाँ अच्छा बता रहे, नहीं बारिश हो रही। आज का वेदर अच्छा नहीं है, बारिश हो रही। आपको दिखाते हैं यहाँ पे बारिश हो रही। अभी ठंड भी स्टार्ट हो गई है बाहर, तो ठंड है, बिना जैकेट के नहीं जा सकते हो। पूरा घर लॉक किए हैं तो थोड़ा सा सही लग रहा है। और बारिश दिखाते हैं आपको, हमारे घर के बाहर का व्यू। ये बारिश हो रही है और थोड़ा फॉगी मौसम है उधर। और ये देखिए नीचे कितना अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे ऑटम आने वाला है ना, कहीं कहीं पे आ गया है। तो ये देखो, सब सारी लीव्स ग्रीन से रेड हो गई हैं, येलो हो रही हैं। अच्छा लग रहा है देख के। वेदर बारिश हो रही है तो अच्छा ही लग रहा है। अथर्व को भी देखना है तो अथर्व अभी देख रहे हैं बारिश, ये खड़े होके। और आप ना पूरा घर हम दिखाते हैं कितना गंदा है। स्टार्ट करते हैं। अपना हेलमेट यहाँ पे फेंके हुए हैं, उधर भी थोड़ी सी कार वगैरह है। और ये रहा यहाँ पे हम लोग सोते हैं नीचे अथर्व के लिए। हाँ ये देखो यहाँ बुक्स पड़ी है। हाँ अंकल, हाँ सो अंकल सो रहे हैं। और यहाँ पे अभी टेडी का है, ये यहाँ आइसक्रीम कार्ड, यहाँ कार, यहाँ स्कूटर, साइकिल और उतने सारे टॉयज वहाँ पे। और ये साइड में भी इतना सारा बुक्स, इतना इधर फैला हुआ है। और हाँ वेट अथर, हाँ अथर का ये रहा रूम। और रूम तब भी साफ है क्योंकि सारे टॉयज यहाँ से बाहर चले गए हैं। ये पूरा खाली पड़ा है, लड़का सब खाली पड़ा है। और ये देखो टेंट के अंदर भी कितना गंदगी फैलाए हैं, इसे भी साफ करना है ये पूरा। हाँ ये रहे हमारे अथर, ये हमारे करेजी। और ये देखो यहाँ भी पूरा फैलाए हैं, दिखाते हैं आपको। सोच रहे कैसे साफ होगा। अथर को देखो, अथर देखो कितना सारा आइसक्रीम, आइसक्रीम, हमारा भाई आइसक्रीम ले रहा है। हाँ आइसक्रीम। और इधर दिखाते हैं आपको, यहाँ भी है और ये नीचे भी पड़ा हुआ है। इधर देखो, इधर तो पूरा फैला रखा है लड़का, ये इसके नीचे। और ये यहाँ दिखाते हैं पूरा, ये मैट देखो, पैर रखने की जगह नहीं है मैट पे। ये वाली मैट भी, ये। और यहाँ भी गाड़ी पड़ी हुई। और ये सोफ़ा देखो, सोफे पे पूरा सामान पड़ा हुआ है। और इधर रहा था स्कूटर है। और इधर भी पूरा फैला हुआ था, तो सूज वगैरह भी हम सही किए हैं। सूज और ये किचन, ये सब सही किए हैं। ये रूम भी थोड़ा सही किए हैं, थोड़ा सा करना है। यहाँ पे भी देखो, ये कार वगैरह फैला रखा है, ये यहाँ भी सही करना है। और ये देखो किचन के साइड भी पूरा, ये बुक वगैरह, किचन थोड़ा, ये सब साफ किए हैं तो थोड़ा ठीक दिख रहा है। ये यहाँ सब भी फैला के रखा है सामान। हाँ गाड़ी, ये इसके नीचे भी, मतलब कहीं ऐसा नहीं कि अथर पर टॉयज ना हो। ये देखो इधर इधर इधर, ये किचन में भी, ये इधर। हाँ सारी गाड़ियाँ अच्छी है। अरे मुझे अभी साफ करना है, मतलब इनके टॉयज पहले रखेंगे, उसके बाद घर क्लीन करेंगे, टॉयज क्लीन करेंगे। तो मेरा पूरा देखो 2-4 घंटे इसमें जाएंगे अथर की वजह से। वो भी अथर पूरा घर फैला रखे हैं गंदे बच्चे बन के। अभी टाइम हो गए हैं 11:30, मतलब 1.5 घंटे लग गए हमें क्लीनिंग करने में। और अभी हम सिर्फ डस्टिंग किए हैं बस। और दिखाते हैं अपना घर, अथर्व का टॉयज क्लीन किए हैं बस। और अथर्व शुरू हो गए, हमारा रूम एकदम सही हो गया है। ये कितने सारे वो थे टॉयज, हाँ और हाँ दिखा रहे हैं। वेट वेट, ये देखो इधर सारे टॉयज साफ करके लगा दिया है इधर भी। और टेंट दिखाते हैं आपको, टेंट कितना गंदा था, इनके अंदर एकदम साफ कर दिए हैं। और ये आइसक्रीम कार्ट साफ किए हैं। और ये सारे टॉयज लगा दिए हैं अच्छे से। अभी शाम तक फिर ऐसे ही हो जाएगा।
और ये देखो हॉल कैसा था कैसा हो गया, पूरा साफ कर लिए हैं। और ये देखो इसके बाद बेहतर, ये तुरंत लाके एक अपना टॉयस फैला दिया है, अभी कुछ देर में सारा इधर ही आना है। और ये सब भी देखो पूरा साफ हो गया और रूम भी साफ हो गया है, कुछ साफ़ कर लिए हैं। अभी उसके बाद भी हमें पोछा लगाना है, 11:30 बज गए हैं, अभी पोछा भी लगाना है और लंच भी बनाना है, अभी इतना सारा काम है। और कपड़े वगैरह जो सही करने हैं उसका तो छोड़ो, ये तो डेली का काम इतना सारा हो जाता है बच्चों के साथ में कि आप पूरा दिन काम ही करते रहो। और लोग बोलते हैं एक बच्चा संभालना है कितना ही काम रहता है, दिन भर क्या करना होता है, यही होता है पूरा दिन ऐसे करते रहो काम। अभी पोछा लगाओ तो 1 घंटे पोछे का भी आराम से रखो, 1 घंटे से ज़्यादा ही लग जाते हैं। और जिस दिन टॉयलेट भी क्लीन करना होता है अच्छे से उस दिन तो और टाइम लग जाता है, क्योंकि टॉयलेट भी तो गंदे हो जाते हैं। अभी तो सिर्फ चेक किया है, क्लीन नहीं किया है, ऐसे पोछ पोछ के पता नहीं आता, देखो फिर फैला रहे हैं कुछ ना कुछ टॉयलेट। अभी हम चल रहे हैं, बात करेंगे उसके बाद लंच करेंगे फिर हमें जाना है बाहर। वो देखो आ गई कार बाहर, लल्ली इतने सारे टॉयज बाहर आ गए ना इतने ही टाइम में। हाँ फिर रख देना बाबू। हाँ ये हमारा भैया खेलो खेलो कर रहा है। भैया क्या कर रहा है, गणेश जी को क्या खिला रहे हो, जूस पिला रहे हो। ये देखो इतना सारा आइसक्रीम केक डोनट्स जूस, गणेश जी को क्या खिलाए आप, मम्मा के लिए थैंक यू जूस भी हाँ। कौन सा है ये चॉकलेट। हमारा लंच ये रहा लेमन राइस और ये दाल, ये सैलेड और ये तोरी की सब्जी। कहाँ ले जा रहे हो लल्ली, ये अंगूर सब इसमें लगाना है जल्दी जल्दी, देखो हम लगा रही है सेम टू सेम ऐसे नहीं सुनो आपका नाम क्या, कैसे लिख रहे हैं हंगुल में बताते हैं, चलो ये देखो, अरे राम हमारा भैया, ये देखो ये मम्मा लिखी है अथर्व। यूट्यूब 보세요, 유튜브에 울랄라 점프, 울랄라 점프 유튜브 브라보와 도레미 두 개 다 나오니까
रोते नहीं फिर आएंगे ना, रोते नहीं बस रोई रोई आता है आपको आराम से। आ गया है चेरी ब्लॉसम, देखो पत्तियां कितनी अच्छी अच्छी दिख रही हैं उस साइड और इस साइड भी है। अभी थोड़ा थोड़ा सा रेड है, उसके बाद पूरा हो जाएगा तो और ब्यूटीफुल दिखेगा। ये बेबी टूट जाएगा ग्लास, आराम से बैठो, मम्मा ला रही है ना पानी। ले लिया था सारी शॉपिंग हो गई। चलो ये आ गया भाई होम प्लस शॉपिंग करने। टॉफी लेगा और या फिर गाड़ी ले लिया आप? आपके पास है गाड़ी? कितनी गाड़ी चाहिए बाबू? हर बार गाड़ी चाहिए आपको? यहाँ पे और यहाँ कोरिया में आज हम फर्स्ट टाइम, मतलब 3 साल हो गए हम लोग को आए, आज हम फर्स्ट टाइम टोरी मंगाए हैं। मतलब कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकती हूँ, सिखाते हैं आपको। क्योंकि ना स्टोर पे मिल रहा था, जो इंडियन वो है सब्जियाँ मिलती हैं आपको बताते हैं, तो वहाँ से हमने मंगाई है तोरी। आज हम बनाएंगे तोरी, ये 1 kg तोरी और 1 kg ओ माय गॉड, देख रहे हैं को भगवान कैसे भेजते हैं लोग, ये देखो ऐसे भेजते हैं तोरी, तोड़ तोड़ के भेजे हैं कितने पार्ट में। ये भगवान, बड़ी बड़ी सी थी ना तो फिर बहुत ज़्यादा वो कर दिए हैं, तोड़ मरोड़ दिए हैं। ये 1 kg तोरी मंगवाया है और 1 kg बीन्स मंगवाया है, ये छोटा वाला 1 kg बीन्स है हमारा, और तुम तोरी ही बनाएंगे। और गलती से जिसे ऑर्डर करवाया था पता चला वो भी मंगवा रहे थे, तो ज़्यादा ऑर्डर करो तो फ्री डिलीवरी रहती है, नहीं तो 4000 देना पड़ता है डिलीवरी चार्ज। चक्कर में उनसे ऑर्डर करवाया और हमें करेला बिल्कुल पसंद नहीं, हम लोग नहीं खाते हैं, मतलब हम तो अब भी खा लेते हैं ये बिल्कुल नहीं खाते। और 1 kg उन्होंने करेला भी ऑर्डर कर दिया और ये देखो आ गया, करेला ख़राब भी हो रहा है, ये 2 करेले, इतने सारे करेले का क्या करेंगे, 1 kg इतना ये नहीं दिख रहा जितना करेला दिख रहा है। तो फाइनली हमारे जो भी है तो आ ही गया है, तो बनाते हैं करेला भी। एक दिन में ख़त्म होता तब भी सही था, 2 दिन में तो नहीं ख़त्म होगा, 2 दिन में भी। अभी आज हम बनाएंगे तोरी, इतने दिन बाद तोरी खाने को मिलेगी हमें, 3 साल बाद, मतलब इंडिया से आए थे कभी तोरी खाई ही नहीं है, फर्स्ट टाइम तोरी बनाएंगे खाएंगे यम्मी। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं डिनर। आज पूरा दिन क्या तरफ को लेके गए थे क्लास, घूम घाम के शॉपिंग वगैरह करके फाइन लोग आ गए हैं घर, अभी डिनर बन के रेडी हो गया, आपको दिखाते हैं सैलेड
ये रहा सैलेड और चावल बन रहा है, और ये हमारी तोरी की सब्जी, ये तोरी की सब्जी भी बन गई है, और ये रहा दाल। रोटी बनानी है और फिर तोरी की सब्जी खाने को मिलेगी, यमी यमी सी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।